ये वाला गैजेट देख के आपके होश उड़ने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई गैजेट हो सकता है। अबे क्या गैजेट है यार, मतलब गजब। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मस्ती और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग तो होने ही वाला है क्योंकि मेरा गोरा बदन, मेरा गोरा खैर ये बकवास छोड़ते हैं और आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो आज के वक्त पर रोटी कपड़ा और मकान के बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन गया है हमारे लिए, क्योंकि मनी हाइस्ट से लेकर मनी ट्रांसफर, वीडियो गेम से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स और कैप्टन अमेरिका से लेकर नॉटी अमेरिका, सारा कुछ तो हमें इसी फोन पे मिलता है। मगर अगर मैं कहूँ कि आपका स्मार्टफोन स्मार्टेस्ट फोन बन सकता है तो अरे यही बताने तो आया हूं मैं, क्योंकि आज का वीडियो इज ऑल अबाउट द गजब के गैजेट्स फॉर योर स्मार्टफोन। तालिया नहीं, गालिया नहीं, तालिया नहीं, ये वाली गाली मनते कोई दूसरा दे दे, नहीं ये थोड़ा ज्यादा गंदा है, नहीं नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल फोन एयरबैग। अब आप लोग ही बताइए कि आप में से कितनों का फोन हाथ से गिरने की वजह से टूट चुका है, कमेंट में बताइए। मेरा तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है और इसीलिए आपको अपने फोन को देना है सुरक्षा और आज के आज लगा लेना है अपने फोन पे इस एयरबैग को। इस एयरबैग को बनाया ही गया है आपके फोन को किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचाने के लिए। इस नॉर्मल से दिखने वाले गैजेट में मोशन सेंसर लगा हुआ है। ये बेसिकली एक बैक कवर है जो दिखने में तो नॉर्मल सा ही लगता है, लेकिन जब भी आपका फोन कहीं से गिरेगा तो ये नॉर्मल बैक कवर सुपर बैक कवर बन के मोशन सेंसर की मदद से खुल जाएगा और आपके फोन के आजू बाजू एक शील्ड जैसा बना देगा, तो आपका महंगा स्मार्टफोन जमीन को टच भी नहीं करेगा। देखो बात बड़ा सिंपल सा है, अगर आप अपने आप को बचाने के लिए अपने गाड़ी पे एयरबैग लगाते हो तो क्या आपके फोन को जीने का कोई हक नहीं है? हाँ, माना कि उसके पास जुबान नहीं है, लेकिन जीने का हक तो है, तो लगाओ एयरबैग लगाओ। सुपर कैला केबल। ये वाला गैजेट बेसिकली चार्जरों का मैग्नेटो है, मतलब आसान भाषा में इसे आप चुंबक चार्जर भी बुला सकते हैं। मतलब ये वैसे तो नॉर्मल चार्जर जैसा ही है, लेकिन सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहता है। इसके वायर्स पे मैग्नेट्स लगा होता है तो ये बिना वजह लटकता नहीं रहेगा, अनलाइक मेनी अदर थिंग्स। अरे जूते की लेस की बात कर रहा हूं भाई, कितना गलत सोचते हो यार तुम लोग। इसका वैसे सच कहूं तो फीचर वाइज इतना ज्यादा कुछ यूज तो है नहीं, वही नॉर्मल सा फास्ट चार्जर ही है, लेकिन इसे आप तरह तरह के शेप दे सकते हैं, कहीं भी आसानी से रख सकते हैं और ट्रैवल करते हुए बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। और हाँ, इस केबल की लेंथ 6 फीट है, मतलब अमिताभ बच्चन से भी लंबा तार। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो अगर आपका चार्जर भी पूरे डेस्क में फैल कर जगह को कबाड़ा बना देता है तो इसे खरीद लो, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर में मिल जाएगा। सोलर पेपर। मैं जब अपने फोन पे गेम खेलकर, गाना सुनकर या यूट्यूब के वीडियो देखकर फोन को बार बार चार्ज करता रहता था तो पापा मुझे एक ही बात बोलते थे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। जी हाँ, यही ताना मुझे आगे भी सुनने को मिलता अगर मुझे ये सोलर पेपर नहीं मिलता। ये यंत्र डायरेक्टली सूर्य देव से शक्ति प्राप्त करके आपके फोन को चार्ज करता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, बस इस सोलर पेपर को खोलकर धूप में रख दो और ये गैजेट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके आपके फोन को चार्ज करने लगेगा। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो इसे अपने बैग के पीछे रखकर भी चार्ज कर सकते हो, और अगर कभी बादल आ जाए या फिर आप इसे छांव में रखते हो तो इसके कंपैरिजन ऑपरेटर टेक्नोलॉजी इसे ऑटो रिसेट कर देता है, मतलब आसान लफ्ज में टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और तो और, इसके एलसीडी स्क्रीन पे आप ये भी देख पाएंगे कि ये कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इस गैजेट से आप स्मार्टफोन के अलावा GoPro, पावर बैंक, ब्लूटूथ स्पीकर, कैमरा और टॉर्च वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात तो अभी बाकी है। अगर आपको लग रहा है कि ये सोलर पैनल उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आप इसमें और भी पैनल्स ऐड कर सकते हो। क्या बात, वाह क्या बात। वंडर क्यूब। ये जो गैजेट है दोस्तों, ये कुछ ऐसा है कि मानो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ गॉन्टलेट। मतलब ये एक अकेला गैजेट इतना कुछ कर सकता है कि इसे देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक किए भी ना रह नहीं पाएंगे। कुछ ज्यादा बोल गया क्या? अब बोल ही दिया है तो कर दो ना यार, प्लीज प्लीज। वंडर क्यूब नाम के इस पुचकु से कीरिंग में क्या नहीं है, मतलब आपको इसमें एक केबल मिल जाएगा कंप्यूटर से फोन को कनेक्ट करने के लिए। इससे फोन को चार्ज कर सकते हैं, ओटीजी यूएसबी की तरह यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड रीडर है इसमें तो मेमोरी कार्ड डाल के एक स्टोरेज डिवाइस बना सकते हैं, कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फोन स्टैंड की तरह यूज कर सकते हैं, टॉर्च जला सकते हैं और यहां तक कि इसके मदद से इमरजेंसी सिचुएशन में फोन का चार्ज किसी दूसरे सेल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब और क्या चाहिए, इसमें से
कबूतर निकालो क्या? स्मार्टफोन थर्मोमीटर, कहीं आपको बुखार तो नहीं है? वैसे भी कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ा चेक कर लीजिए। क्या थर्मोमीटर नहीं मिल रहा? कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो मैं आपको गैजेट दिखाने वाला हूँ वो आपके स्मार्टफोन को ही एक थर्मोमीटर बना देगा। इस नन्हे से गैजेट को आपके फोन के चार्जर वाले पोर्ट में लगा लेना है और आपका हाथ इसके सामने रखते ही ये गैजेट आपको आपका टेम्परेचर शो कर देगा। अच्छा, ये सिर्फ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट में ही घुसेगा, तो नॉर्मल पोर्ट वालों के लिए मैं कोई दूसरा गैजेट ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो वीडियो बना देंगे। इस गैजेट को आप किसी भी डायरेक्शन में सामने या पीछे की तरफ फेस करके लगा सकते हैं और सेल्सियस या फारेनहाइट किसी भी मेट्रिक में टेम्परेचर नाप सकते हैं। बस एक बटन प्रेस करते ही मेट्रिक चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी कोरोना की वजह से जो हालत है उसको देखते हुए ये गैजेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्मार्टफोन फिल्म स्कैनर, क्या आपको वो पुराने जमाने के कैमरे याद है जिसमें वो नेगेटिव रोल्स आया करते थे? 90s के बाद पैदा होने वाले लोगों को शायद इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, लेकिन इन नेगेटिव से तस्वीरें निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, और निकलता भी था तो वो सिर्फ पेपर पे। लेकिन मैं हूं ना, ये वाला गैजेट जो है इसमें आपको बस पुराने नेगेटिव रील्स डालने हैं और उसके ऊपर अपना फोन रख देना है और इस होल पे अपना कैमरा फिट करना है, फिर इसके नीचे वाले इस जगह पर नेगेटिव रील्स डाल देना है। इसके नीचे वाले पोर्शन में नेगेटिव रील्स डालने के बाद दूसरे और इस व्हील के मदद से उसे फोल्ड कर लेना है। फिर और कुछ नहीं, इस गैजेट की स्विच ऑन कर दो जिससे इसके अंदर का लाइट जल जाएगा, फोन कैमरा ऑन कर लो और नेगेटिव रील को उस व्हील से एडजस्ट करते हुए तस्वीर खींचते जाओ। सिंपल। पर आपको बता दूं कि ये गैजेट शायद अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि इसे लिस्ट में रखने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। वायरलेस एंडोस्कोप, यही कुछ दिन पहले की बात है, मेरी अंगूठी किचन के सिंक के अंदर गिर गई और ढूंढते वक्त कई मुशक्कत करने के बाद मेरे हाथ आया तो बहुत सारा पानी और कुछ मैल, और ये किसी के भी साथ हो सकता है, मतलब मेरे जैसा इतना ज्यादा नहीं लेकिन हो सकता है। तो आज ही खरीद डालो ये वायरलेस एंडोस्कोप, जो कि एक अमेजिंग स्मार्टफोन गैजेट है। ये दिखने में तो डॉक्टर्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो कैमरे घुसाते हैं ना ऑपरेशन के वक्त, वैसा ही है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और कितनी भी पतली जगह हो घुस जाता है। इसके एक छोर को आपको अपने फोन में लगा लेना है और दूसरे छोर को वहां घुसाना है जहां आपका कोई चीज गुम हो गया है या फिर कोई पाइप जैम हो गया है या फिर कुछ और। इसके साथ आने वाले हुक्स के मदद से आप सामने के मैल हटा सकते हो या फिर आप गिरे हुए चीजों को उठाकर ला सकते हो। और इसका केबल भी काफी ज्यादा लंबा है, तो कोई भी जगह हो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। अगर इस गैजेट के बारे में मुझे उस वक्त पता होता जब मैंने अपना अंगूठी गिरा दिया था, तो शायद मम्मी ने जो बेलन से मेरे पीठ पर टैटू किया था उससे बच पाता। येल अश्योर लॉक, दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर कोई चोर आपके घर में घुसकर आपका सारा सामान चट करके फट से ले जाए? कैसा क्या लगेगा, खराब ही लगेगा, कैसे गधे जैसे बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप ये लश्योर लॉक लगा ले तो ये नहीं होगा। ये एक स्मार्ट गैजेट है जो आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड रहता है थ्रू इट्स मोबाइल ऐप। आप अपने फोन में टैप करके अपने घर का ताला खोल सकते हो। तो अगर आप घर को लॉक करके कहीं बाहर गए हो और मेहमान आके वेट कर रहा है, तो आपको भागते हुए घर वापस नहीं आना पड़ेगा, बस एक टैप कर दो और मेहमान घर के अंदर जाके वेट कर लेगा। और तो और इस स्मार्ट लॉक में आप एक सीक्रेट पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, मतलब इस पासवर्ड को डालकर भी आप इस स्मार्ट लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन चोर को थोड़ी वो पासवर्ड या आपका फोन मिलेगा तो चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो, पौधों के पीछे और डोरमैट के नीचे चाबी रखने का पैंतरा काफी पुराना हो चुका है, अब कुछ नया करो, मतलब स्मार्ट करो, सब्सक्राइब करो, मतलब कर दो ना प्लीज। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन गैजेट्स खास आपके लिए, जी हाँ आप ही के लिए। देखो, आज के वक्त वो स्मार्टफोन सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूछा है कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तभी बनेगा जब आप अपने स्मार्टफोन के लिए कुछ स्मार्ट गैजेट्स यूज करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको गैजेट दिखाया उनमें से जो भी आपको पसंद आता है अभी के अभी खरीद लो और बन जाओ मिस्टर स्मार्ट या फिर मिस स्मार्ट या फिर मिसेस स्मार्ट, मतलब समझ रहे हो ना, स्मार्ट बन जाओ। और हाँ, स्मार्टली कमेंट में आके बताओ कि ये जो वीडियो था ये आपको कैसा लगा और कौन सा गैजेट आपको सबसे पसंद आया है और कौन से गैजेट के लिए आप मन ही मन मुझे गाली दे रहे हो। हाँ, मन ही मन दो, कमेंट में आके मत दो, बुरा लगता है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगले 25 दिनों में अगर आपको और भी ज्यादा स्मार्ट बनना है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले 25 दिनों के अंदर आपका IQ डबल हो जाएगा, ये प्रूवन फैक्ट है, ये होता है, तो अभी करो, अभी के अभी। खैर जो भी हो, आज मैं चलता हूँ, लेकिन मिलेंगे बहुत ही जल्द एक ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, लव यू, मेम सी यू, सब यू।